लंबे समय से बीमार चल रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर को दिल्ली से गोवा ले जाया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पारिकर का काफी वक्त से दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि आज सुबह उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। इसके बाद पारिकर को एयर एम्बुलेंस के जरिए गोवा ले जाया गया है। उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। मनोहर पारिकर करीब एक महीने से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। अमेरिका में इलाज के बाद उन्हें बीते 15 सितंबर को यहां लाया गया था। उनकी गैर मौजूदगी में गोवा की सियासत काफी गर्मा गई है। शुक्रवार को पारिकर ने एम्स में ही अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ मंत्रालय के बंटवारे और सरकार में कामकाज को लेकर मीटिंग की थी, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस गोवा विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रही है। शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वह मनोहर पारिकर की सेहत की कामना करते हैं, लेकिन बीमारी में उनके ऊपर राजकाज का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए, इससे काम भी प्रभावित हो रहा है। पार्टी में सत्र बुलाकर देखा जाए कि किसके पास बहुमत है। वही बताया ये भी जा रहा है कि पारिकर की तबीयत को देखते हुए उनका गोवा में इलाज।